तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण विठल तमरी शरण तमरी शरण विठल तमरी शरण श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री तमरी शरण तमरी
नंद के कुमार मेरो संकट निवार मेरो संकट निवार नंद के चक्र के धरणहार गरुड़न के असवार नंद के कुमार जिसके शब्द अनुभव से उद्भूत हैं, अर्थात
जो अनुभव करके कह रहा है वो कहकर अनुभव करा भी सकता है। जो देखकर सुना रहा है वो सुना कर दिखा भी सकता है। और जो रसपान करते करते लीला रस का गान कर रहा है वो लीला रस का गान करते करते रसपान करा भी सकता है। इसीलिए नंददास कहते हैं, नंददास गावे तहां निपट निकट। स्वयं श्री नंददास जी के शब्द ही इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि मैंने किसी भी व्यवधान अंतराय आवरण से रहित भगवत लीला रस का पान किया है। और मैं पुनः आपको निवेदन करूं, जो रसपान करते हुए गान कर रहा है वो गान करते करते रसपान करा भी सकता है। जानत तुम्ही हुई जाई, यही अद्भुत है, यही अलौकिक है, यही आश्चर्यचकित कर देने वाला है, यही अनिर्वचनीय है। ये सत्य ऐसा ही है कि इस सत्य को जानने वाला स्वयं सत्य स्वरूप हो जाता है। इस रस का स्पर्श करते ही जीव रस रूप हो जाता है। और नंददास ने तो गाकर कहा, नंददास गावे तहां निपट निकट। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया था कि किसी कुंज में युगल सरकार विराजमान है तो उस कुंज में होने वाली कलियों की जो चटक है, नैनों की जो मटक है और पटपीत की जो लटक है, कर चरण की जो पटक है और मन की जो अटक है, वो चटक मटक लटक पटक अटक सब नंददास जी को प्रत्यक्ष है। इसलिए वो कहते कहते उसका दर्शन करा देते हैं, वो गाते गाते उस रस को पिला देते हैं। और संत की वाणी का तो ये गुण होता ही है कि वो गागर में सागर भर देती है। बहुत थोड़े से शब्दों में संत बहुत कुछ कह देता है। और बहुत कुछ क्या, कभी कभी तो वो थोड़े से शब्दों में सब कुछ कह देता है। और मैं इससे भी आगे जाऊं कि समर्थ संत तो एक शब्द में आपको भगवानी दे देता है। वो भगवान का नाम सुनाकर, वो आपके कान में भगवान का नाम जब सुनाता है तो वो क्या करता है, वो आपके हृदय तक भगवान को ही तो बैठा देता है। तो संत तो एक शब्द में भगवान दे देता है। नंददास जी का एक एक पद जो है ना, वो बिल्कुल चरितार्थ करता है इस बात को। अनंत अनंत कल्याण गुणगण संपन्न अखिल सौंदर्य माधुर्य सौरस्य सिंधु श्री कृष्ण जो रस सागर हैं, वो नंददास जी की पद रूपी गागर में समाये हैं। श्री कृष्ण रूपी जो रस सागर हैं वो श्री नंददास जी की पद रूपी गागर में समाये हैं। एक एक शब्द जड़ा है नंददास जी ने अपने अपने पदों में। इसीलिए कहा नंददास जड़िया, जड़ दिया है नंददास जी ने उस रूप को, उस रस को। यद्यपि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, पर इस देश में जैसे सब कुछ अद्भुत है ना, तो इस देश में घटने वाली घटनाएं भी अद्भुत हैं। यद्यपि प्रेम को कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, पर इन संतों की समर्थ वाणी ऐसी है, इन संतों के पास अनुभव का कुछ ऐसा बल है कि ये ना करते भी बहुत कुछ कह देते हैं। ये ना करते भी बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। तो ये जो भ्रमर गीत है ये प्रेम की एक एक अद्भुत अनुपम अनूठी गाथा है। अटपटी बात है प्रेम की, ये प्रेम की वो अटपटी बात है। एक भंवरे के ब्याज से उड़ता उड़ता एक भंवरा आया, उद्धव और गोपी का संवाद हो रहा है, उद्धव कुछ कहना चाह रहे हैं और उस संवाद के मध्य दूर कहीं से उड़ता उड़ता एक भंवरा आता है। और गोपी का शील देखिए, गोपी सीधे सीधे उद्धव से कुछ नहीं कहती। उस भ्रमर के ब्याज से गोपी अपने हृदय के सब सब वो प्रेम भरे उल्हाने दे देती है
और गोपी का प्रेम भरा उलाहना क्या है, खारे पानी के कूप में से कोई चुल्लू भर पानी ले तो भी खारा, गागर भर ले तो भी खारा, वो सारा कुआं ही खारे जल का है। ऐसे ही अमृत का कूप हो तो कोई चंचू भर पी ले तो भी अमृत, उसमें गोता लगा ले तो भी वो अमृत है। गोपी के हृदय से जो प्रकट हुआ है वो सब प्रेम ही है, प्रेम के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं, क्योंकि गोपी पहले ही कह चुकी कि यहां यहां तो रोम रोम श्याम है। कहने को गोपी है पर होने को क्या है, होने को कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण नहीं, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण से कृष्ण का प्रेम दुर्लभ है, कृष्ण सुलभ है, कृष्ण का प्रेम दुर्लभ है। एक बार किसी ने पूछा कि अमुक पुराण में लिखा है कि इतना करोड़ नाम जप करने से भगवत दर्शन होता है, तो क्या सही है? तो मैंने कहा पुराण की बात पर संशय करना ही नहीं चाहिए, पुराण जो कह रहे हैं वो सब सही है। पर मैंने कहा ध्यान देना, पुराण में ये लिखा है कि इतना करोड़ नाम जप करने से भगवत दर्शन होता है, इतना करोड़ नाम जप करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं कहा है, भगवत दर्शन होता है। और मैं विचार कर कह रहा हूं, अगर अगर दोनों की तुलना की जाए, भगवत दर्शन और भगवत प्रेम की, तो भगवत दर्शन फिर सुलभ है, भगवत प्रेम दुर्लभ है, भगवत अनुराग दुर्लभ है। अपन को तो भाई इतने थोड़े से इस जीवन काल में संतों की कृपा से चलते चलते एक बात समझ में आई कि ये जो जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, जिस अनुराग की हम यहां चर्चा कर रहे हैं और करेंगे, उस प्रेम को प्राप्त करने का तो एक ही मार्ग है। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया था, श्री जी के सन्मुख होते हो श्री जी से यही कहना, बड़ा अटपटा लगता है ना जब श्री जी के सन्मुख होकर कोई कहता है कि नाथ कब आपके दर्शन होंगे, अरे दर्शन तो हो ही रहा है, जो सन्मुख है वो कौन है? यदि आपकी उसमें अपूर्ण बुद्धि है तो फिर सन्मुख होने का तात्पर्य ही क्या है, और यदि पूर्ण बुद्धि है तो फिर और किस दर्शन की बात की जा रही है। श्री जी के सन्मुख होकर अगर याचना की जाए तो वो यही की जाए कि आपके किसी प्रेमी अनुरागी जन का दर्शन हो जाए, किसी भगवदीय का दर्शन हो जाए। मैं आपको सत्य कहता हूं भाई, सत्य कहता हूं, आप मेरी बात को मान लेना, इस सारे अस्तित्व में तीन लोग 14 भुवन में एक प्रेमी के दर्शन से सुंदर और कोई दर्शन नहीं हो सकता। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसके इसका रोम रोम पुलकित हो, नेत्र सजल हो, वाणी गदगद हो, कभी हंसे कभी रोए कभी नाचे कभी गाए, ऐसे किसी प्रेमी जन का दर्शन दुर्लभ है। मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया कि ऐसे किसी जन के अंग से स्पर्श करके यदि हवा भी लग जाए ना, पवन का एक झकोरा भी लग जाए, तो वो जन्म जन्मांतर की अगराशी तो नष्ट करता ही है, वो हृदय में भगवत प्रेम का संचार करा देता है। इसलिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं कि सेवा अर तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा है। और छिपा कर दुरा कर रखते हैं श्री लाल जी अपने भक्तों को। हमारे बाबा तो कहा करते थे, बोले ठाकुर सब देता है भाई, सब देता है, जो मांगो वो भी देता है, जो नहीं मांगो वो भी देता है, पर अगर बार बार मांगने पर भी वो नहीं देता है ना, तो वो अपने निष्किंचन भक्तों का संग नहीं देता है। इसीलिए गोस्वामी जी श्री रामचरित मानस में एक बार नहीं, बार बार वर मांगी हूं। और ये बात तो मानस की है, पर कह कौन रहा है? महादेव कह रहे हैं।
बार बार वर मांगी हूँ, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग, भक्ति सदा सतसंग। बार बार वर मांगे हूं, बार बार, और इस भ्रमर गीत की एक बड़ी अद्भुत विशेषता, इस रचना की एक अद्भुत विशेषता यह कि इसमें प्रेम मार्ग की आचार्य स्वरूपा गोपांगना ने विशुद्ध प्रेमा भक्ति की प्रतिष्ठा की है सब सिद्धांतों के ऊपर। जैसे हमारे महाप्रभु जी कहते हैं ना, हमारे श्री सेवक जी महाराज ने भी कहा, ज्ञान कर्म व्रत धर्म भक्ति किंकर किए, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण। और मैं आपको व्यासपीठ से सत्य कह रहा हूं भाई, जीवन में अनेक अनेक बार प्रभु की कृपा से इस बात का अनुभव होता आया, हो रहा है और होता रहेगा कि ये बिल्कुल सत्य है भाई। इनके चरणों की छांव में जो जीव पड़ा है उसको संसार का ताप स्पर्श नहीं करता। तभी मेरे महाप्रभु जी कहते हैं कि गोविंद छाण भ्रमंत दसों दिस, अरे करी है कहा नवग्रह नीके, और इस विपरीत परिस्थिति में जाकर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहा नवग्रह रंक, मतलब सब अनुकूलता है पर श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरणागति नहीं है, फिर क्या अनुकूलता है? अंतिम परिणाम शोक है, अंतिम परिणाम द्वंद है। और महाप्रभु कह रहे हैं सब प्रतिकूल है पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहा नवग्रह रंक। तो गोपी बिल्कुल सीधे सीधे, गोपी ने कहा ना, प्रेम को मार्ग सुधो, निर्गुण सगुण किसी बात का विचार न करती हुई, ये संसार सत्य है असत्य है, ये क्या है क्या नहीं है, किसी भी बात की ओर ध्यान न देती हुई सीधी एक बात की घोषणा करती है, एक सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है, हमरे सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुध। अब उधो बड़ी तैयारी के साथ आए, कर्मयोग ज्ञान योग हठ योग, क्योंकि वो तो सब विद्याओं के ज्ञाता हैं, वो सब विद्याओं के आचार्य हैं, तो उद्धव बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। उद्धव ने कहा ये किस बात में पड़ी हो, तुम क्या समझती हो कि श्री कृष्ण केवल यशोदानंदन है, वो केवल नंद के लाल हैं? अरे उनका व्यापक स्वरूप है, उसका विचार करो, उसका चिंतन करो, वो परात्पर परब्रह्म है। हाथ पांव नहीं नासिका, नैन बैन नहीं का, अद्भुत ज्योति प्रकाशिका, सकल विश्व के प्राण, सुनो ब्रज नागरी, सुनो ब्रज नागरी। अब उद्धव गाने लगे वेदों की ऋचाएं, अणोरणीयान वतो महीयान, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अरे उसका कोई हाथ पांव नहीं है, ना उसकी कोई नासिका है, नयन वैन नहीं कान, किसकी बात कर रही हो, वो तो कोई अद्भुत ज्योति है जो कणकण में व्याप रही है हृदय गुहा में, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करो। अब गोपी के उस नितांत कोमल हृदय पर ये तो मानो किसी ने प्रहार कर दिया, आहत हो गई एक प्रकार से गोपी, यद्यपि बड़ी शीलवान है। दो घड़ी पहले गोपी ने क्या किया था, श्री उद्धव जी को बैठाया था, अर्घासन दिया था, अरे उद्धव जी की परिक्रमा लगा रही थी कि श्याम सुंदर के सखा हैं, कोई श्याम सुंदर की बात सुनाने के लिए आए होंगे, और ये कैसी कैसी बातें करने लगे, बोले अरे वो कोई केवल नंदनंदन थोड़ी है, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है,
और हमारे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, बोले प्रेमी अनन्य भजन न होई जो अंतर्यामी भजे मन में। गत वर्ष शायद यहीं से मैंने आपको सुनाया था ना कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब अपने श्री शालिग्राम स्वरूप भगवान को झुला रहे थे, हिंडोला पर विराजमान करके उनको झुला रहे थे, तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी दर्शन करने आए। उन्होंने कहा कि हमारे ठाकुर जी के लिए भी कोई सुंदर पद रच के सुनाइए, आप तो पद रचना में बड़े प्रवीण हैं। व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, व्यास जी ने क्या कहा, बोले झूले झूले मेरे गंडकी नंदन। व्यास जी ने विचारा, भाई अब इसके आगे क्या कहें, आंख न कान नैन नहीं नासा, दरस होत कछु होत अनंदन। अरे क्या गाएं, आपकी रूप माधुरी क्या गाएं, अब इतना ही कह सकते हैं। अब शालिग्राम जी पर खूब चंदन चढ़ा था, व्यास जी ने कहा अब यही कह सकते हैं, मानो भटा कड़ी में बोरे। अब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सुनकर थोड़ा सा ऐसे खेद सा हुआ, उदास हो गए। वस्तुतः तो श्री हरिराम व्यास जी ने ताना मारा था, बोले प्रभु ये तो वृंदावन धाम है, ये किस रूप में आप यहां पर विराजमान हैं, यहां तो आपका रूप देख देख कर रसिक जीते हैं, नवल नवेली अलवेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को यह आहारी। अरे आपका दर्शन ही तो हमारा जीवन है, आपका रूप देख देख कर ही तो जीते हैं। एक एक रसिक हृदय जो है उसका आहार क्या है, श्री युगल सरकार का रूप यही तो उसका आहार है, हमारी भजन भावना का प्राण क्या है, श्री युगल का जो रूप है। आप और मैं यहां किस लिए आए हैं, दर्शन ही तो है भाई, श्री जी बाबा का दर्शन करना है, दर्शन करना है और करते ही जाना है, मन प्राण तृप्त नहीं होते दर्शन करके, जितना दर्शन करो उतना दर्शन करने का लोभ बढ़ता ही चला जाता है। और दर्शन भी कैसा है, अभई और अभई और अभई और, जब जब देखूं तेरो मुख प्यारी तब तब नयो नयो लागत, नित नया दर्शन है, क्षण क्षण में उठती हुई कोई नई ही रूप की तरंग है, कोई नई तरंग हिलोरा लेती है, क्षण क्षण में नित्य नवीन अनुभूति है, दिने दिने नवम नवम। तो व्यास जी ने कहा, बोले प्रभु अपने उस अपरूप रूप के संग यहां पर विराजी, तो वृंदावन धाम है, ये तो रसिकों की भूमि है, आपका दर्शन ही यहां पर जीवन है, हम कोई और न ध्यान जानते न कोई और विधि जानते। अरे व्यास जी ने तो यहां तक कह दिया, नैन न मूंदे ध्यान को किए न अंगन न्यास, नाच गाए रास ही मिले बस वृंदावन व्यास। तो गोपियों को ये चर्चा असह्य हो गई, असह्य माने वो सह ही नहीं पाई ये सब सुनना, उनका जो कोमल हृदय था वो ये सब सह ही नहीं पाया, यद्यपि उद्धव कोई संसार की वार्ता करने नहीं आए थे, वो कर भी नहीं रहे थे, वो तो वेदों के सार स्वरूप सिद्धांत को गोपियों को समझाने की चेष्टा कर रहे थे। पर जहां कुछ क्षण पहले गोपियां बड़ा आदर सम्मान कर रही थी, एकाएक एक प्रकार से उनके भाव का रूपांतरण हो गया, और वाद विवाद तो नहीं कहना चाहिए, वाद विवाद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ घटने लगा वहां पर ऐसा। एक एक बात का गोपी उत्तर देती है, जो मुख नाहीन हो तो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गए संग कहो को बन बन धाय। मतलब अगर मुख नहीं था तो माखन किसने खाया, तू कहता है उसके 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 चरण नहीं है, अरे बन बन गैयाओं के संग डोला कौन, आज भी ब्रज भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित है कि नहीं, 84 कोस की जब परिक्रमा लगाई जाती है तो चरण पहाड़ी का दर्शन किया जाता है कि नहीं, अरे ब्रज भूमि का सौभाग्य क्या है कि इस पर श्री युगल सरकार के चरण चिन्ह अंकित है, यही तो ब्रज भूमि का सौभाग्य है। क्या है ब्रज रज की महिमा कि उसको चरण का
कोई भी व्यवधान रहित संस्पर्श प्राप्त हुआ, यही तो ब्रज रज की महिमा है। हमारे व्यास जी तो कहते हैं व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। ये जो रज है ये भक्ति का परम फल है। क्यों? क्योंकि श्री युगल सरकार के चरण पड़े हैं इस पर, पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं नहीं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो नित्य लीला भूमि है। आखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हा। तू कहता है उसके नेत्र नहीं है। अरे उसके नेत्रों में, उसके उस उन कमल नयन के नयनों में काजल तो हमने अपने हाथों से लगाया है। आखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हा। और वो सात दिन और सात रात्रियां कैसे भूल सकते हैं हम ब्रजवासी, जब हमने एक टक निहारा था अपने गोवर्धन नाथ को। राजे ब्रज राज राज गाए गोप जाके तर। वो सात दिन सात रात्रियां क्या कभी हम बिसार सकते हैं, जब सतत निरंतर हमने अपने लाल जी की रूप माधुरी का पान किया था। आखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हा। नंद जसोदा पूत है कुंवर कान ब्रजनाथ सखा सुन श्याम के, सखा सुन श्याम के। अब जब गोपियों ने ये बात कही तो उद्धव को लगा भाई उन्होंने तो मुझे ये कहकर भेजा था, कुछ अधिक पढ़ी लिखी नहीं है। उद्धव भी परम ज्ञानी है, उनको लगने लगा कि भाई यहां तो बढ़िया शास्त्रार्थ होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जानती हैं। और वस्तुतः ऐसा है कि गोपियां कुछ ऐसा जानती हैं जो परम ज्ञानी उद्धव भी नहीं जानते हैं। तभी इन्हीं इन्हीं का दर्शन करके मैं बड़े विश्वास से ये बात कह सकता हूं कि इन्हीं गोपांगनाओं का अपने भाव में दर्शन करते करते श्री कबीर जी ने लिखा होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। अब लगे उद्धव कर्मयोग ज्ञान योग और योग की अनेक अनेक विधाओं का उपदेश करने। उद्धव को लगा कि क्यों ना भाई इन गोपांगनाओं को पहुंचा ही दिया जाए आज समाधि में। लेकिन वो सब चर्चा उद्धव से श्रवण करके गोपी ने अंत में एक बात कही, हमरे तो यह रूप भी। अरे सुन जो तू कह रहा है सब ठीक है, पर ये अपनी पोथी अपनो ज्ञान तो अपने पास धर। दो टूक बात गोपी उद्धव से कहती है, और ये बल कौन देता है? ये बल देती है निष्कैतव प्रीति, निष्कपट अनुराग ये बल देता है। आप एक बात का स्मरण रखना, जिसको आप और मैं आत्मबल कहते हैं ना, आत्मबल, वो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अडिग रहने की वो जो शक्ति है, उसका स्रोत अगर कुछ है तो वो केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। मैं तो कहता हूं भाई इस प्रेम के निकट वैसे तो कोई प्रश्न होता नहीं, हो भी तो प्रेम रहने नहीं देता। मन को एकाग्र करने की प्रेम जैसी कोई और विधा नहीं है, आत्मबल और आत्म सम्मान की प्रेम जैसी कोई और विधा नहीं है। तो गोपी दो टूक उत्तर देती है, हमरे तो यह रूप बिन और न कछु सुहा, जो करतन आमलक के कोटिक ब्रह्म दिखा। गोपी ने कहा जो तू अपने हाथ पे रख के, जो करतल आमलक के, बोली जो तू अपने हाथ पे रखकर कोटिक ब्रह्म दिखा देना,
तो भी उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। हमरे तो यह रूप बिन और न कछु सुहाए। और जैसे ये गोपी ने ये शब्द कहा ना, यह रूप बिन, बस वो रूप कहते ही वो श्री कृष्ण का अपरूप रूप गोपी के नेत्रों के सन्मुख झलकने लगा। गोपी विह्वल हो गई, अधीर हो गई। ऐसे में नंदलाल रूप नैनन के आगे आए गयो छवि छाए बने बीरी अरुबागे। वो सुंदर पीतांबर की पहरान, मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की गाइए। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। सदा बसो मन मेरे ऐसे ढीला ढाला मन गाओ भाई। मोहन मुस्कन मंद वो ढुरकन मोर मुकुट की सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। जैसे हमारी बाई सा गाती है ना, उथारी छवि प्यारी लागे राज राधावन मह राधावन महारा थारी छवि प्यारी लागे राज ढुरकन मोर मुकुट की। मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की। अच्छा और सरल कर देता हूं मैं आपका काम। ये चार दिन की चर्चा के प्रसाद स्वरूप बस ये दो पंक्तियां आपने साथ ले जाना और कहते रहना, मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की। हरी छवि प्यारी
जैसे किसी नाम निष्ठ को नाम श्रवण करते ही नाम की खुमारी चढ़ जाती है, जो नाम निष्ठ होगा ना, सरल शब्दों में कहूं जो भजनानंदी है, माने जिसको भजन का आनंद मिल गया है, जिसको भजन से उस परमानंद की अनुभूति हो गई है, तो जो नाम निष्ठ है उसको नाम का श्रवण करते ही नाम की खुमारी चढ़ती है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय, ऐसे गोपी है ना रूप में आ सकता है, वो जैसे ही रूप का स्मरण हुआ अब तो भूल गई गोपी, कौन उद्धव और कौन सा ज्ञान। उधो सो मुख मार के कहत ती नहीं सोबा, प्रेम अमृत मुख ते स्रवत अम्बुज नैन चुचात, तरक रस रीत की तरक रस रीत की। बोले उद्धव जी से मुख तो मोड़ लिया, लेकिन कह उद्धव जी को ही रही है। उद्धव सो मुख मोर के कहत तिनही सो बात, और प्रेम अमृत मुख ते स्रवत के ने, इसके बाद गोपी के मुख से जो झरा वो प्रेम का विशुद्ध अमृत। जैसे कमल जब अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त करता है ना, तो मकरंद रस से भर जाता है, झरने लगता है मकरंद उससे, फिर उस मकरंद का लोभी भ्रमर लुप्त होकर आकर उसका सेवन करता है। ऐसे ही जो हृदय कमल भर जाता है ना उस अनुराग से, फिर श्याम रूपी भ्रमर स्वयं आता है उस मकरंद रस का पान करने। दशनंद दास जी कहने उसके बाद गोपी के मुख से जो झरा वो प्रेम का अमृत, प्रेम अमृत मुख ते स्रवत अम्बुज ने। अविरल अश्रुधारा बह रही है नेत्रों से, और प्रेम के वो अटपटे बैन गोपी बोलती है, अहो नाथ रमानाथ और जदुनाथ गुसाई, नंद नंदन विडरात फिरत तुम बिन बन गाय, काहे न फेर कृपाल है गोपाल सुख ले, दुख जल निधि हम बूढ़ही कर अवलंबन देहु, निठुर है कहाँ रहे, निठुर है कहाँ रहे। हे नाथ हे प्यारे, काहे ना फेर कृपाल है, एक बार फिर कृपा करके गो ग्वालन सुख ले हो, एक बार क्यों नहीं यहां आकर फिर से इस गोधन का सुख लेते, फिर से हमारे नेत्रों को
अपनी रूप माधुरी का पान कराकर हमें वो सुख पुनः देते। दुख जल निधि हम बूढ़ी, बोले दुख का सागर और हम इसमें डूब रही हैं। काहे न लेत उबारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। इन्हीं का दर्शन करके, अपने भाव में इन्हीं का दर्शन करके श्री कबीर जी ने ये भी कहा होगा, रे मन हंसना छोड़ दे, अरे कर रोने से प्री, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मी। हम गाते हैं ना, रोज गाते हैं, भर भर पी गई ब्रज पनिहारे ने और सुंदरतम पिय पाया। मैं तो विचार कर ही नहीं पाता, इस लीला का चिंतन मैं कर ही नहीं पाता। शायद ये भी कारण था कि मैं इसको कहने से बच रहा था, पर भक्त और भगवान के बीच में कौन आ सकता है। श्री जी बाबा की यही इच्छा थी कि यही गीत, ये प्रेम का गीत यहां गाया जाए। ये भ्रमर गीत जो है, ये वस्तुतः प्रेम गीत है। गोपियों के हृदय का वो गाढ़ा अनुराग प्रकट हो गया, जिसे छिपा कर रखा था गोपियों ने, परम धन की भांति अपने हृदय गुहा में वो प्रकट हो गया। निठुर है कहाँ रहे, निठुर है कहाँ रहे, बोल पड़ी एक एक और गोपी, उधो उन्हों भली करे। अनेक अनेक जन्मों के सहस्र सहस्र साधन अंतःकरण शुद्धि के उपाय एक तरफ, और गोपियों की ये प्रेम गाथा कहने सुनने का जो फल है वो एक तरफ। कोई अनेक अनेक जन्म सहस्र सहस्र उपाय करे, साधन करे अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के, खबर नहीं अंतःकरण शुद्ध हो कि ना हो, लेकिन इन गोपियों का गाया हुआ ये प्रेम गीत कोई एक बार कह ले, सुन ले, उसका हृदय द्रवीभूत होगा, उसके नेत्रों से बहेगी वो अश्रुधार। और एक बात तो मान लेना भाई, यही विचार कर कबीर कहते हैं, बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि आप रोते रहें? नहीं भाई, रोए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। वो जो मन की निर्मलता जिसकी बात प्रभु करते हैं ना, रोए बिना वो मन की निर्मलता प्राप्त नहीं होती। इस प्रेम भाव में अश्रु बहाए बिना वो अंतःकरण की शुद्धि मिलती नहीं भाई। इसलिए तो गालिब कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। इस रोने ने हमको पवित्र कर दिया, पाक हो गए। को कहां अहो दरस देत पुनि लेत दुराई, यह छल विद्या कौन कहो पिय तुम ही सिखाए। हम पर बस आधीन है ताते बोलत दी, जल बिन कह कैसे जिए पराधीन, जो मीन विचारों सांवरे, विचारों सा। पहले प्रेम बढ़ाया और फिर छिप गए, पहले दर्शन दिया, पहले हमें अपने रूप में आसक्त किया, और अब वो धन हमसे दुरा लिया। ले छल विद्या किसने सिखाई, कौन सी पार्टी पढ़े ओ लला, मन लेहू पे देव छटाक नहीं। फिर गोपी दीन वचन का उच्चारण करती हुई कहती है, हम पर बस आधीन है। गोपी ने कहा ना, सुरतनाथ थे अशुल्क दासिका, अरे हम तो पर बस हैं, हम तो तुम्हारे प्रेम बंधन में पड़ी हैं, यहां जल बिन मीन की भांति पड़ी छटपटा रही हैं,
इसलिए दीन वचन कहती हैं, क्योंकि इस रोने और गाने के अतिरिक्त अब हम और कर ही क्या सकती हैं। तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, हम तुम्हारे अधीन हैं और तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। ये रोना और गाना निसदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब से शाम से धारे। अंजन थिर न रहत अखियन में कर कपोल भय कारे। और सूरदास प्रभु बूढ़त है ब्रज काहे न लेत उबारे। निस्दिन बरसत नयन हमारे, लेकिन इसके अतिरिक्त हम और करें ही क्या। हम पर बस आधीन है ताते बोलत दी, जल बिन कहो कैसे जिए पराधीन जैन। तुम कहकर गए हो प्रतीक्षा करना, मैं परसों आऊंगा। तुम कहकर गए हो प्रतीक्षा करना, विचारो सांवरे, पर विचार तो करो, जल के बिना मीन जीवन कैसे धारण करेगी। इसीलिए नारद जी कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, प्रेम की बात करते करते, प्रेम के रूप गुण का विचार वर्णन करते करते एकाएक नारद जी को दर्शन होने लगता है। इसी कृष्ण प्रेम में पगी गोपांगनाओं की उस छवि का, और नारद जी कह उठते यथा ब्रज गोपिका नाम। भाई भक्त और भक्ति का दर्शन करना हो तो ब्रज में चले जाना, वहां कृष्णानुरागिनी कुछ गोपियां हैं, उनके जैसा और कोई भक्त नहीं है। भाई भक्ति के सर्व गुण अगर कहीं पूर्ण प्रफुल्लित रूप में प्रकट है, विद्यमान है, सुफलित है, तो वो ब्रज की गोपियों में है। वो ही जानती हैं भक्ति की, प्रेम की रीत क्या है। को कहे प्रिय दरस देव तो बेनु सुनावो, दूर दूर वन की ओट कहा ही अलोन लगावो। और जैसे कोई बिल्कुल बेबस हो जाता है ना, लाचार, उस भाव में भरकर गोपी कहती है, हमको तुम पिए एक हो, तुमको हम सी कोर, बहुतायत के राव रे प्री ना डारो तो विचारो सांवरे, विचारो सांवरे। स्वामी मोहे ना बिसारियो, लाख लोग मिल जा, हमसे तुमको बहुत है, तुम साहब को। गोपी कहती है बहुत आयत के रावरे प्रीत ना डारू तोर, तुमको तो बहुत है, पर उन बहुतों को देखकर बोले हमारी प्रीत की डोर मत तोड़िए। विचारो सांवरे, विचारो सांवरे, को कहो अहो श्याम कहां इतराए गए हो। अच्छा, सब गोपियां दीन वचन बोलने वाली नहीं है। हाँ, कुछ डांटने फटकारने वाली भी हैं। प्रेम अधिकार भी तो देता है, प्रेम अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि प्रेम अर्थात संपूर्ण सर्वात्म का समर्पण, लेकिन वो सर्वात्म का समर्पण व्यर्थ नहीं जाता, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। ये तो इस अस्तित्व का अविचल सिद्धांत है। देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एन एक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ही होगी। तो प्रेमी जब अपने सर्वात्म का समर्पण करता है, इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है कुछ। ऐसा नहीं कि उसने दे दिया और बात समाप्त हो गई। इस समर्पण के उत्तर में फिर वो उसको स्वयं पर अधिकार देता है। भक्त का अधिकार होता है भगवान पर। जैसे मीरा जी कहती है ना,
जहां बिठाए तहां मैं बैठूं, जो देवे सो खाऊं। ये स्थिति तो वस्तुतः ठाकुर जी की है। भक्त जहां बैठा है बेचारे बैठ जाते हैं, जो पहनाए पहन लेते हैं, जो दे सो खा लेते हैं, और इस सब के साथ मुस्कुराते भी रहते हैं। जब सुलाए सो जाए, जब उठाए उठ जाए। कल मैं आपको सुना ही रहा था, बाबा ने सुलाया दो घड़ी बाद जाके उठा दिया। अब अपना अपना भाव है भाई, पर बर भक्त का अधिकार होता है, ठाकुर जी पूर्ण अधिकार देते हैं। तो कुछ कुछ गोपियां ऐसी अधिकारिणी भी हैं, उनके शब्द थोड़े थोड़े तीक्ष्ण हैं। हमारे यहां भोजन में ना शटरस होता है, शटरस, आप भोजन के साथ मिर्ची का अचार खाते हो कि नहीं खाते हो ना, थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है, चलता है। मैं तो आज सुबह पोहा खा रहा था, वो थोड़ा सा पोहा उसमें इतनी सारी मिर्ची, मैं तो छांट छांट के थक गया। तो एक गोपी थोड़ी तीखी बात भी कहती है, को कहो अहो श्याम कहां इतराए गए हो, काय को इतना इतरा रहो है, मथुरा को अधिकार पाए महाराज भय हो। अरे हमने ही खिलाया तो है, भूल गो वो दिन जब तेरे माथे पे हम गोबर को टीका देती, हमारे नचाए बहुत नाचो तू, तेरे भगत ही कह रहे हैं, सूरदास कहते हैं कि नहीं, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच न छाई, गोपिन नाच न छाई। को कहे अहो श्याम कहा इतराए गए हो, मथुरा को अधिकार पाए महाराज भय हो, ऐसे कछु प्रभुता हो जानत को नाही, अबला बुद्धि सुनि डर गई, बलि डरे जग माही, विचारों सांवरे पराक्रम जाने के। एक गोपी कह रही बोली, हम जैसी अवलान पे अपनो जोर दिखा रहे हो तू, मेरे अपने बराबर वाले इनसे लड़, मेरी सब छल विद्या तो उनको दिखा। अरे हम तो भोरी भारी या गांव की गोपी हैं, बोले हमको ऐसो छल बल तू दिखा रहे हो, और तू जानतो है कि हम तेरे अधीन है, तो सब खबर है, तू जाने हम तो उसे कैसो प्रेम करें, हम तेरे अधीन है, मेरे सब रंग हम ही को दिखा रहे हो तू। को कहे अहो श्याम चहत मारन जो ऐसे, गोवर्धन कर धार करी रक्षा तुम कैसे। अरे तभी मार दे तो हमें, तभी मर जाने दे तो हमें, ये दिन तो ना देखनो पड़तो। सूरदास तो कहते हैं, श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा और दई ब्रजनाथ पठाए, तेरे हाथ आज ये भस्म और मुद्रा भेज दी है यदुनाथ ने हमारे लिए, और उधो जोग सिखावन आए, जो पै जोग कयो गोपिन सो अधर सुधारस प्याए, तभी क्यों ना जोग उपदेश्यो। और इस शरद की रात्रि को जब कालिंदी के कूल पर हमें अपनी अधर सुधा रस का पान कराया था, ये योग तभी हमें दे देते ना, ये मार्ग तभी हमें सिखा देते, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। गोवर्धन कर धार करी रक्षा तुम कैसे, ब्याल अनल बिस ब्याल ते राख लई सब ठोर, बिरह अनल अब दाही हो, हस हस नंद किशोर, चोर चित ले गयो
चोर चित ले गए। अच्छा वो भी ये सब बात उद्धव से नहीं कह रही है, परस्पर में बात कर रही है। उद्धव जी से तो मुख मोड़ लिया है, देख नहीं रही है उनकी तरफ, पर सुना उन्हीं को रही है। चोर चित ले गयो, चोर चित ले गयो। तभी तभी प्रेमी जनों ने गाया है, तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी, मैंने तेरे प्रेम में आके छोड़ी दुनिया सारी। तू पहले प्रीत बढ़ा के फिर करता है होशियारी। तभी तो भक्ति मार्ग के आचार्य कहते बोले सावधान, जिसको संसार के सुख की इच्छा हो बोले वो तो इसकी ओर देखना भी नहीं। जिसको भी संसार के सुख की इच्छा हो ना, जिसको अभी अभी कुछ देह गेह के सुख की लालसा हो बोले वो तो इसकी ओर देखना भी नहीं। ये है तो देव का देव, इससे बड़ा कोई देव नहीं। अब जो देव वो देव, ये क्या देता है? रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर देता नहीं है ये। हमारे बाबा कहते थे बोले तुम जो थाल सजा के ले जाते हो ना ठाकुर जी के सन्मुख, ठाकुर जी की दृष्टि उस पर नहीं होती है, क्या लाए हो? बोले क्या छुपा के आया है ये पीछे, मुझे तो वही चाहिए जो छुपा के आया है, जो दुबका के रखा है इसने, उनकी दृष्टि उन्हीं पर है। कोई है ऐसा जो घोषणा के साथ ये बात कह सके कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सर्वस्व हर लेता हूं, आप मुझे दिखाइए। हो किसी देवता में ऐसी सामर्थ्य जिसने ये बात कही हो कि मैं जिस पर कृपा करूंगा मैं उसका सर्वस्व हर लूंगा, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा दूंगा, उसके सारे संकल्प में असफल करा दूंगा, उसके पास कुछ नहीं रहने दूंगा, ऐसी घोषणा की है प्रभु ने। कोई है ऐसा? अरे बाप सब मंदिर खाली हो जाए खबर पड़ जाए तो। ये एक यही है जो बिल्कुल डंके की चोट पर ये बात कहते हैं, और फिर भी उसके बाद मंगला से लेकर शयन पर्यंत आप देख लो, आप देखो कैसे एक झलक पाने को लालायित प्रभु के प्यारे भक्त वैष्णव गाते हुए गिरिराज धरन श्रीजी कमरी गिरिराज धरन श्रीजी कमरी गिरिराज धरन श्रीजी कमरी गिरिराज धरन श्रीजी कमरी श्रीजी कमरी
एक गोपी ने कहा रे ऐसे हमारो दिल दुखार हुए तो पाप लगे वो, और दूसरी बोली अरे बड़ो निष्ठुर है यार कछु पाप पुण्य की चिंता ना है। अरे या को नाम लेवे वारे पाप पुण्य से निडर है जाए, तो या को नाम ले वाको पाप पुण्य की चिंता ना रहे। को कहे ये निठुर इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के करण हार ये ही है आप। दूसरी गोपी ने कहा अरे जब सब किताबन में पाप पुण्य लिखो सब किताब यहां नहीं लिखी है, मैं सब किताबन को करता धरता यही है, ये जाए पाप कह दे वो पाप है, जाए पुण्य कह दे वो पुण्य है। पाप पुण्य के करण हार ये ही है आप, इनके निर्दय रूप में ना इनको चित्र पै प्यावत प्राणन हरे पूत ना बाल चरित्र। मित्र ये कौन के मित्र ये कौन, अरे काऊ को अपनो ना आई है वो पूतना बेचारी आए दूध प्यावे आई और वहां के प्राण ही ले लिए। गोपी कह रही है मैं नहीं कह रहा, नंददास जी तो गोपी की बात बता रहे हैं। पै प्यावत प्राणन हरे पूतना बाल चरित्र मित्र ये कौन के मित्र ये कौन। को कहरी सुनो और इनके गुण आली। अच्छा गोपियां उद्धव जी को क्यों सुना रही हैं ये सब? गोपियों ने कहा बहुत महिमा बखान रहो ना ये बाकी, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, हमसे सुन वो कैसे हैं, ये सब बातन ने तो हम जाने हम घर की हैं। को कहरी सुनो और इनके गुण आली, बलि राजा पे गए भूमि मांगन बन माली, मांगत बामन रूप धर पर्वत भयो अकाय, सत्य धर्म को छाड़ के धरो पीठ पे पाए लोभ की नाव ये। अरे बड़ो लोभी है, भूल गई वह बलि राजा पे गयो वो तीन पग भूमि मांगी और बेचारे की पीठ पर ही पाए धर दियो, का जो सत्ता सत्य को याने विचार कियो, जब तो मैं कह रही हूँ ये पाप पुण्य जो किताबन में लिखे है ना सबको करता धरता यही है, या ये ना पाप लगे ना पुण्य लगे। लोभ की नाव ये लोभ की नाव ये। अब दूसरी कैसे चुप रहती, अब तो सबको गुणों का स्मरण होने लगा। को कहे अहो कहा हिरण कश्यप ते बिगाड़ो, बोली इससे पूछो हिरण कश्यप ने क्या बिगाड़ा था। परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़ो, अरे वो या को भगत ही ढीठ हो अपने बाप ते कोई लड़ो करे। सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बधा, इन बपु धर नर सिंह को नखन बिदार्यो जाए बिना अपराध के बिना अपराध के। भाई बिना ही अपराध बेचारे मार दियो बाकी छाती फाड़ दे ही, अरे अपने छोरा है सिखा रहे हो दुनिया सिखाए अपने छोरा है क्यों बाबा। गोपी कह रही है अरे बाबी चाहे हिरण कश्यप ने कहा बिगाड़ दियो या को, अपने छोरा है सिखा रहे हो वो तो, वो छोरा वहां को ढीठ हो, तीनों लोकों में कोई कह सकता है ये बात। परम ढीठ प्रहलाद पिता के सन्मुख झगड़ो, सुत अपने को देत हो शिक्षा दंड बंधा, इन बपु धर नर सिंह को नखन बिदारो जाए बिना अपराध ही बिना अपराध। दूसरी ने कहा अरे वो बात तो भूल ही गई,
कौन सी? को कहे सखी कहा दोस शिशुपाल नरेशो, ब्याह करन को गयो नृपति भीषम के देश, दल बल जोर बरात को ठाड़ो छवि बभार। अरे दूल्हो बन के गए वो तो बेचारो बारात जोड़ के, और बार रुक्मिणी जी के पिता ने बुलायो तब तो गयो, स्वयंवर हो रहा था ना रुक्मिणी जी का, शिशुपाल जी को न्योता था, बिना न्योते के थोड़ी गए थे। मैं नहीं कह रहा, गोपी कह रही भाई उसका क्या दोष था। दल बल जोर बरात को ठाड़ो हो छवि मां, बोले वो तो बेचारा प्रतीक्षा में खड़ा था, अब बरमाला गिरी, अब बरमाला गिरी। इन छल कर दुल्हन हरी छुदित ग्रास मुख काढ़, समझे बोली भूखे के भूखते रोटी ले ली। आपने स्वार्थी, आपने स्वार, आए बस अपनो ही स्वार्थ सूझे, आए बस अपनो ही सुख दिखे। अरे लोभ की नाव है ये, झूठो यहाँ की बात पे कौन भरोसो करे। यही विधि होई आवेश परम प्रेम ही अनुरागी। लेकिन आप गोपी की दशा का विचार करिए, उसके नेत्रों से बह रही है अभिनय अश्रुधारा। ये इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा ये प्रेम के अटपटे बहन गोपी बोलती है, ये अटपटे बहन जिसको देह गए कि सुध ना होगी। मैंने तो कम से कम समग्र भक्ति साहित्य में ऐसी बात कही नहीं पड़ी, जैसी बात गोपी कह सकती है वैसा कौन कह सकता है। ये बात बताती है कि कैसा अधिकार है गोपी का। यही विधि होई आवेश परम प्रेम ही अनुरागी, और रूप पिय चरित तहां सब देखन लागी। उद्धव को दर्शन होने लगा किसका, श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम उधो हमें श्याम ही सोका, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधे की सिला करी आधार श्याम ना, श्याम जिए श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है, उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपी केवल कहती नहीं, उद्धव जी ने गोपी के रोम रोम में वो श्याम श्याम रूप, गोपी के शब्द शब्द में वो श्याम रस झलकता छलकता देख लिया, देख लिया। उद्धव कंपित गात होने लगे, उद्धव ने किसी ऐसी प्रेम समाधि की कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई दृश्य कभी मैं जीवन में देखूंगा। वस्तुतः श्री उद्धव जी पर कृपा करके श्री ठाकुर जी ने प्रेम की पाठशाला में भेजा कि जाओ प्रेम का भी क ख ग पढ़ के आओ, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। पंडित किसे कहते हैं? पंडित कोई जातिगत शब्द नहीं है, किसी किसी विशेष जाति में जन्म लेने वाला पंडित नहीं है। पंडित की परिभाषा तो भगवान ने श्री गीता जी में दी है, श्री गीता जी में भगवान देते हैं पंडित की परिभाषा। कौन है पंडित? जो शोक और हर्ष दोनों से पार हो गया है। गोपियां वस्तुतः ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी जो परात्पर पूर्ण ब्रह्म में ही रमण करती है, जो निरंतर परात्पर पूर्ण ब्रह्म में ही रमण करती है, जहां रोम रोम श्याम है। इस शब्द को समझने में थोड़ी भूल हो गई है। ब्रह्मचारी शारीरिक रूप से किसी विशेष नियम में किसी संयम में बंधे व्यक्ति को ही ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। गोपियां हैं शुद्ध ब्रह्मचारिणी है, ये इनके जैसा ब्रह्मचारी और कोई नहीं है।
ये कृष्णानुरागिनी, ये कृष्ण प्रेम में छकी, जो निरंतर रोम रोम श्याम है, उठते बैठते सोते जागते, या केवल श्याम का ही स्मरण है, केवल कृष्ण चिंतन। तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्त्यो आत्मागाराणि सस्मरूः। सुखदेव जी महाराज कहते कहते विव्वल हो जाते हैं। जिनके तन मन प्राण मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण 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 कृष्ण। इसलिए श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, उनसे किसी ने कह दिया एक बार, बोले आप गोपी के रूप की, उसके श्रृंगार की इतनी चर्चा करते हो। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा, एक बार गोपी के पास जाकर तो देखो, वहां कृष्ण के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, वहां केवल कृष्ण है। और श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम स्वरूप की झलक कहीं मिलेगी तो गोपी के पास में मिलेगी। और किस मंदिर में जाकर कृष्ण की उस प्रेम माधुरी का पान करोगे, किस तीर्थ पर जाकर, किस तीर्थ में नहाकर अपने अंतःकरण को योग्य बनाओगे उस रूप रस का आस्वादन करने के। ये धन तो गोपी का ही है। यही विधि होई आवेश परम प्रेम ही अनुराग। अरे वो आवेश बढ़ता गया प्रेम का, और रूप प्रिय चरित तहां सब देखन लाग। गोपियों की जो प्रीति है वो व्यसन की दशा की प्रीति है। गोपियों की जो प्रीति है वो व्यसन अवस्था तक पहुंच गई है। उनको अब श्री कृष्ण का व्यसन हो गया है। जब व्यसन हो जाता है ना किसी वस्तु का, वो वस्तु न मिले तो फिर प्राण व्याकुल हो जाते हैं, प्राण तत्पर हो जाते हैं देह त्याग करने को। ऐसी अवस्था है गोपियों की। इसीलिए तो कहते हैं रे उधो उन्हों भली करी हम ही वियोगन करी सारे जू जल बिन मछरी आवन को मग जो निस दिन रटत जो हरी हरी रे उधो उन्हों भली करी जहां लग जगत स्नेह सगाई। हाँ गोपी कहती है मोरे सबही एक तुम स्वामी, मोरे सबही एक तुम स्वामी, और मैं तो केवल यही विचार कर रहा हूं आपसे कहते कहते कि हम तो भाई इनका इनका यश गाकर ही धन्य हो गए। यहां तक तो कौन जाएगा, किसकी सामर्थ्य है, पर हम तो इस छवि का दर्शन करके ही धन्य हो गए। हम तो अपनी वाणी से इनका इनका गुण इनका यश गाकर ही कृतार्थ हो गए, पवित्र हो गए।